एक्सरसाइज 2.1 है हमारा। इफ़ एक्स बाई थ्री प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू फाइव 313 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये 5/3 है, ये 1/3 है, यहाँ मिस प्रिंट है। आइए इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 2.1 तो इसमें जो है एक्सरसाइज 2.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है सिंपली कि x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 है। तो वैल्यू ऑफ x और y कह रहा है। तो ये वाला जो हमारा x वाला टर्म है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा x बाई थ्री इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो हो जाएगा x बाई थ्री इज इक्वल टू 2/3 और ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 3/3। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी 3, 4, 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। कह रहे हैं कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ हमें जो पता है कि एन ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है हमारा एन ए इंटू एन बी होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये एन ए हमको दिया हुआ है 3 और बी में जो है 3, 4, 5 तीन एलिमेंट्स हैं, तो एन बी भी 3 दिया हुआ है। तो 3 × 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एन क्रॉस ए बी में वो 9 होंगे। सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर जी इफ़ जी इज इक्वल टू 7, 8 और एंड एच इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5, 4, 2। तो कह रहा है बताइए जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी आपसे कह रहा है निकालने को। तो यहाँ पर जी क्रॉस एच अगर हम लोग देखें तो ये जगह 7, 8 क्रॉस 5, 4, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7, 5 और ये हो जाएगा हमारा 7, 4, 7, 2। ये हो गया हमारा कॉमा, ये हो जाएगा हमारा 8, 5, 8, 4, 8, 2। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जी क्रॉस एच के बाद एच क्रॉस जी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली एच हो जाएगा 5, 4, 2 क्रॉस जी हो जाएगा हमारा 7, 8। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले 5 का 7 से फिर 5 का 8 से इस टाइप से, तो 5, 7, 5, 8 और ये हो जाएगा 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। ये हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया जो हमसे पूछा था। अब आते हैं थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन में। नेक्स्ट पेज से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिंपली कि स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो इसमें सबसे पहले कह रहा है इफ़ पी इज इक्वल टू एम कॉमा एन एंड क्यू इज इक्वल टू एन कॉमा एम देन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एम कॉमा एन कॉमा एन कॉमा एम। तो ये ट्रू है कि फॉल्स, आइए देखते हैं इसको हम लोग। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में सिंपली कह रहा है कि पी कॉमा एन जो है क्यू एम एम कॉमा एन है और क्यू जो है एन कॉमा एम है। तो पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग को पी दिया हुआ है एम कॉमा एन, ये करली ब्रैकेट में है, और क्यू दिया हुआ है हमारा करली ब्रैकेट में एन कॉमा एम, तो P क्रॉस Q जो होगा वो हो जाएगा हमारा करली ब्रैकेट में M कॉमा N फिर क्रॉस N कॉमा M। तो ये M का पहले इन तीनों से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा M कॉमा N
फिर कॉमा एम ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा एन कॉमा एन, फिर कॉमा एन कॉमा एम ये हो जाएगा हमारा, तो ये पी क्रॉस क्यू हो गया। जबकि हमको पी क्रॉस क्यू गिवन में क्या है कि एम कॉमा एन है और एन कॉमा एम है, तो ये क्या हो जाएगा, देयर फोर इट इज फॉल्स, ये फॉल्स होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपली कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है हमारा क्या है कि नॉन एम्प्टी सेट है, ये है इज अ नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। कह रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए है और वाई जो है एलिमेंट है बी का, तो एक्स जो है एलिमेंट है ए का और वाई जो है एलिमेंट बी का है, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑर्डर ए क्रॉस बी का, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ फॉल्स, यहाँ लिख देगा इट इज़ फॉल्स। सेकंड के बाद हमारा थर्ड में क्या कह रहे हैं कि ए जो है 1,2 दिया हुआ है, बी 3,4 दिया हुआ है, ए जो है हमको 1,2 दिया हुआ है, बी हमको 3,4 दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू फाई होगी, ट्रू है या फॉल्स, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको करके। तो हमें पता है कि बी इंटरसेक्शन फाई करें तो ये क्या होगा, फाई ही होगा। अब जब ये फाई हो गया तो ए क्रॉस या बी इंटरसेक्शन फाई की जगह अगर फाई रख दें तो फाई से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी फाई ही होगा, यानी ये रिलेशन सही है, तो इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। अब उसके बाद फोर्थ के बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है ये देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि इफ़ ए, ए की वैल्यू आपको दी हुई है -1,1, तो आपसे कह रहा है बताइए ए क्रॉस ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं जो है ए क्रॉस ए निकालूँगा फिर ए, तो सबसे पहले -1,1 क्रॉस -1,1 क्रॉस -1,1, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -1 का पहले इससे, तो -1,-1 फिर -1 का इधर से -1,1 फिर यहाँ से 1 का करेंगे तो 1,-1 फिर यहाँ से करेंगे तो 1,1 ये हो गया हमारा सिंपली। -1 का पहले इससे किया ये, अब ये चीज़ ऐसे ही लिख देंगे -1,1। अब जो है हमारा इनका करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर -1 का फिर -1 है और फिर इससे अब करेंगे तो -1 का पहले इनसे होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1,-1,-1 ये हो गया हमारा, इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका अब इससे होगा तो -1,-1 फिर ये 1, फिर अब इस वाले की बारी इससे तो -1 ये हो जाएगा हमारा -1,1 फिर -1, अब इसका इस 1 से होगा तो ये आएगा हमारा -1,1 वैसे ही लिख देंगे, फिर ये 1 एक्स्ट्रा और आ जाएगा, फिर इस चीज़ को वैसे ही लिख देंगे 1,-1 फिर एक -1 आ जाएगा, फिर इस चीज़ को वैसे ही लिख देंगे और ये 1 प्लस वाला आ जाएगा, अब इसकी बारी 1,1 वाला 1,1 फिर ये -1 हो जाएगा, फिर 1,1 हो जाएगा हमारा और ये +1, तो इस टाइप से हमारा बना। तो टोटल कितने बने, 1,2,3,4,5,6,7,8, तो 8 हमारे टोटल बनेंगे।
तो यही हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ के बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ में। सिक्स्थ में देखिए क्या कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ए कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा वाई कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा वाई ये दिया हुआ है, तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये ए क्रॉस बी है तो ए क्या होगा, ये जो पहले वाला कंपोनेंट है, और बी क्या होगा, ये जो दूसरा वाला है कॉमा के बाद लिखा हुआ। तो यहाँ से देयर फोर लिखेंगे ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए कॉमा बी, और जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्स कॉमा वाई। यही हमारा आंसर हो गया। सिक्स्थ के बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू दी हुई है 1, 2, बी की वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, 4, और सी की वैल्यू दी हुई है 5, 6, डी की वैल्यू दी हुई है 5, 6, 7, 8, तो वेरीफाई कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग पार्ट फर्स्ट करते हैं, और पार्ट फर्स्ट का LHS जो है लेके चलते हैं सबसे पहले। LHS ये क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। तो ए है हमारे पास 1, 2, और बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 1, 2, 3, 4, और ये सी है हमारा 5, 6। तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर केवल 5 लिख देंगे। अब 5 से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये LHS की वैल्यू आ गई। अब RHS को देखते हैं, तो RHS में ए क्रॉस बी है, फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। ये है हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ए क्रॉस बी हमारा सिंपली जो है वो हो जाएगा हमारा ए जो है हमको दिया हुआ 1, 2, और बी दिया हुआ 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले 1 का इस बी से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 2 का इस बी से करेंगे। तो ये ब्रैकेट कर ली, ब्रैकेट आ जाएगा 1, 1, फिर ये हो जाएगा 1, 2, फिर 1, 3, और फिर से 1, 4 हो जाएगा। अब उसके बाद इस 2 की बारी, तो ये हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, और ये हो जाएगा 2, 4। ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट के साथ। फिर उसके बाद ये तो ए क्रॉस बी हो गया, इंटरसेक्शन लगाया हमने ए क्रॉस सी किया, तो ये ए है और ये सी है, तो 1, 2, और ये 5, 6 है। तो ये हो जाएगा हमारा 1, 5, 1, 6, और ये हो जाएगा 2, 5, 2, 6। ये हो गया हमारा। अब इसमें जो है इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। तो 1, 5 इसमें कहीं है, नहीं है। 1, 6 है इसमें कहीं, नहीं है। 2, 5 भी नहीं है, और 2, 6 भी नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन में नहीं मिल रहा, यानी 5 आ रहा है। इसका मतलब कि जो LHS है वो RHS के इक्वल आ रहा है, जो कि 5 के इक्वल है, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया हमारा। अब उसके बाद आते हैं सेवन्थ के बाद हम लोग। सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ, अभी सेकंड पार्ट भी बाकी है, तो सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट में है, सेवन्थ का सेकंड पार्ट में सिंपली आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी हम लोग निकालेंगे। तो ए की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पर, सिंपली दी हुई है 1, 2, और सी की वैल्यू दी हुई है सिंपली 5, 6। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5, फिर 1, 6, फिर 2, 5, 2, 6। ये हो गया हमारा ए क्रॉस सी की वैल्यू। अब उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो ए क्रॉस सी के बाद ये हो जाएगा हमारा बी क्रॉस डी हमें निकालना है। तो बी क्रॉस डी, दिस इज बी की वैल्यू हमको दी हुई है 1, 2, 3, 4, और क्रॉस में डी की वैल्यू हमको दी हुई है 5, 6, 7, 8। तो पहले 1 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, और आगे फिर 2 का करेंगे तो 2, 5। इस टाइप से इसे पूरा करते जाएंगे, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2, 5, फिर आ जाएगा हमारा 2, 6, 2, 7,
2.8, फिर 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, फिर हो जाएगा हमारा 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट में। अब उसके बाद ये ए क्रॉस सी है और ये बी क्रॉस डी है। अब इन दोनों में हम लोगों का देखना है कि क्या ये सबसेट है इसका, तो इसके सारे डाटा इसमें आने चाहिए। आइए चेक करते हैं, 1.5 है, 1.6 भी है, 2.5 भी है, 2.6 भी है, तो जी हाँ ये सही है, क्योंकि ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी क्रॉस डी में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सी डैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी इज लाई ऑन बी क्रॉस डी, देयरफॉर इट इज Therefore, A cross C is a subset of B cross D। यही हमारा आंसर हो गया, जो कि वेरीफाई करने को कह रहा था। अब एट्थ क्वेश्चन में हम लोग पहुँच चुके हैं। एट्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये। एट्थ क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि अगर A और B का वैल्यू दिया हुआ है तो बताइए A cross B क्या होगा और हाउ मैनी सबसेट्स विल A cross B हैव, लिस्ट देम, कितने जो है सबसेट्स बनेंगे एक क्रॉस बी में, लिस्ट देम बताइए, लिस्ट करके बताइए। तो ए आपको दिया हुआ है 1.2 और बी आपको दिया हुआ है 3.4, ये चीज़ आपको दी हुई है। तो यहाँ सबसे पहले ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे क्रॉस 3.4, तो पहले 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.3 और 1.4, फिर कॉमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.3, 2.4, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें एन ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा 4, तो टोटल सबसेट्स हो जाएंगे, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ये हो जाएगा 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16। तो अब सबसेट्स ऑफ ऐसे सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर हो जाएगा हमारा। अब ए क्रॉस बी का जो है अगर निकालेंगे सबसेट्स तो कितने बन सकते हैं, 16 हैं, तो 16 जो होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो 5 हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा ए क्रॉस बी में 1.3 है, तो पहले 1, करली ब्रैकेट में इस टाइप से लिख देते हैं हम, जिससे कि समझने में आसानी हो, करली ब्रैकेट में, हाँ ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, फिर एक तो ये बनेगा 1.3 करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट 1.4, फिर करली ब्रैकेट 2.3, फिर करली ब्रैकेट 2.4, फिर करली ब्रैकेट 1.3 और 1.4 ये बन जाएगा। अब दो दो की पेयरिंग बनाएंगे, फिर 1.3 ऐसे करली ब्रैकेट 1.3 और 2.3 करली ब्रैकेट, फिर 1.3 2.4 करली ब्रैकेट, फिर 1.4 2.3 करली ब्रैकेट, फिर जो है अब 1 का 4 से फिर से 1.4 करली ब्रैकेट, फिर 2.4 करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट 2.3, फिर 2.4 ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखें तो 2.4 के बाद आते हैं, अब तीन तीन के पेयरिंग बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1.3 1.4 और 2.3, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1.3 1.4 और ये हो जाएगा 2.4, फिर ये आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1.3 ऐसे 1.3 है ये, फिर से 2.3 और 2.4 ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 1.4 फिर 2.3 फिर 2.4, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1.3 1.4 2.3 2.4 ये हो गया हमारा आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको कैसे बनाया है, कि जैसे ये
ये है हमारा। तो सबसे पहले ये सिंगल सिंगल जो लिखे हुए हैं इनका कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया हमने, फिर उसके बाद क्या क्या कि इस सिंगल का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ लिखा, फिर उसके बाद इसको लिया, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे लिखा। चूँकि ये और ये आगे रिपीट हो चुके हैं तो इसलिए हमने इसको 1.4 फिर 1.3 नहीं लिया था, फिर सीधे 2.3 और 2.4 से कर दिया, फिर इसको इसके साथ लिया। फिर आगे बढ़ते हैं तीन के पेयरिंग में, इसका फिर इन तीनों के साथ, फिर इसका इसका 1.4, ये तो तीन पेयर बन गए, ये यहाँ से तीन पेयर वाला है तो यहाँ से देखिए तीन पेयर बन गए, 1.3 फिर 1.4 2.3, फिर ये लेंगे तो ये दो एक साथ ले लेंगे, तो देखिए 1.3 लिया तो पहले 2.4 लिया, फिर 1.3 लिया तो ये 2.3 लिया और 2.4 ले लिया, पहले इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ ऐसे बनाया, फिर 1.4 लिया तो इन दोनों का एक साथ, फिर 2.3, अब ये इसके बाद आगे दो पेयर तो बन नहीं सकते, फिर उसके बाद ये लिया, फिर एक साथ इन चारों को लिख दिया, इन चारों को लिख दिया। तो इस टाइप से आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बन रहे हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। अब 8 के बाद हमारा 9th क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एन बी इज इक्वल टू 2 इफ़ एक्स कॉमा 1 कॉमा वाई कॉमा 2 जेड कॉमा 1 आर इन ए क्रॉस बी फाइंड ए क्रॉस बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गिवन में है कि ए क्रॉस बी जो है ये हो जाएगा एक्स कॉमा 1, ये हो जाएगा वाई कॉमा 2 और ये हो जाएगा हमारा जेड कॉमा 1, ये हो गया। तो यहाँ पर जो है हियर एक्स वाई जेड जो है एलिमेंट है ए का और जो 1.2 है वो एलिमेंट है बी का, ये है हमारा 1.2 एलिमेंट है बी का। तो इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है उसमें क्या आएगा एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड आएगा और जो B है उसमें क्या आएगा 1.2 आएगा। तो यही पूछ रहा था आपसे फाइंड A एंड B, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद 9th के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे, सिंपली 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स एमंग विच आर फाउंड -1.0 and 0.1 फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर 10th में हम लोग करते हैं कि यहाँ पर आपको गिवन में है कि गिवन में कह रहा है आपसे कि -1.0 जो है वो है एलिमेंट है किसका ए क्रॉस ए का और जो 0.1 है वो एलिमेंट है किसका ए क्रॉस ए का, ठीक है। ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है तो ए में अब कुल टोटल कितने एलिमेंट होंगे, एक तो -1.0 हो गया और एक एक्स्ट्रा 1 आ गया, यानी -1.0 और 1 इतने एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा -1.0 क्रॉस -1.0 तो इसको अगर करेंगे तो -1 का पहले इनसे फिर 0 का इनसे फिर 1 का इससे, तो ये हो जाएगा हमारा -1 -1 -1 0 -1 1 ये हो गया। फिर 0 का करेंगे तो 0 का -1 0 0 फिर 0 का 1 ये हो गया। फिर 1 का करेंगे तो 1 का -1 1 का 0 फिर 1 का 1 ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हेंस रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो आपसे कह रहा ना इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड 1.0 फाइंड सेट एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाइंड सेट ए, तो सेट ए तो ये हो गया और रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे अगर हम लोग रिमेनिंग एलिमेंट्स आर तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे कि -1.0 और 0.1 तो हो चुका है उनको छोड़ करके बाकी सब लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 -1 फिर ये तो पहले से ही हमारे पास था इसको नहीं लिखना है और 0 और 1 को नहीं लिखना है इसको, बाकी सबको आप वैसे ही उतार दीजिए 0.-1 0.0 1.-1 और इधर से
ये हो जाएगा 1, 1। अच्छा माइनस 1, 0 है, माइनस 1, 0 और 0, 1 है, और तो कोई सेम तरह नहीं है। ये 0, -1 है, ठीक है, तो और सेम तरह नहीं है, तो ये 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1, ये आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।